आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, क्या पूरा मामला? जी 19 मार्च को क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि ग्रीनफील्ड एरिया के अंदर कुछ संदिग्ध युवक हैं जो घूम रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार होने की सूचना थी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप की अध्यक्षता के अंदर एक टीम बनाई गई और उन्हें चेकिंग के लिए जब भेजा गया तो एक सेंट्रो गाड़ी वहां पर संदिग्ध नजर आई, जिसकी चेकिंग के दौरान उसके अंदर दो युवक थे जो सवार थे, जिनमें से एक का नाम राहुल और एक का नाम कपिल था। दोनों आरोपियों से चेकिंग के दौरान 3 देसी पिस्तौल और 1 देसी कट्टा जो है वो बरामद किया गया और साथ में 3 जिंदा राउंड जो थे वो भी उनसे बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 150 जो है वो थाना सूरजकुंड में दर्ज की गई थी और उनका पुलिस रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान एक अन्य आरोपी मोहम्मद हैदर को गिरफ्तार किया गया, जिसने दोनों आरोपियों को ये हथियार बरामद कराए गए थे। रिमांड के दौरान पूछताछ पे मोहम्मद हैदर ने बताया कि उसने हैदर अली नाम के एक अन्य युवक को भी एक पिस्टल और हथियार जो राउंड है वो दिए हुए हैं। हैदर अली को भी रिमांड के दौरान गिरफ्तार किया गया, उससे 1 देसी पिस्टल और 5 जिंदा राउंड जो है वो बरामद किए गए। तो ड्यूरिंग रिमांड और पूछताछ के दौरान कुल 5 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और टोटल 40 जिंदा राउंड जो है वो बरामद किए गए हैं। चारों आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर हैं और रिमांड के दौरान उनसे जो अन्य आरोपी हैं जो इस पूरी चेन के अंदर जो शामिल हैं उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। मैं इन चारों आरोपियों की डिटेल एक बार आपको बता देता हूँ। इनमें से एक आरोपी जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है और बाउंसर का काम करता है, एक आरोपी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और इनमें से दो आरोपी राहुल के खिलाफ और हैदर अली के खिलाफ पहले से ही 2 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के और एक जान से मारने की कोशिश का 307 का जो मुकदमा है वो दर्ज है। फिलहाल आगामी कार्रवाई क्या की जाए? अभी आरोपी जो है वो पुलिस रिमांड पे है। रिमांड के दौरान उनकी जो सप्लाई चेन है कि हथियार पीछे से कहाँ से लेकर के आया और इतनी बड़ी मात्रा में जो जिंदा राउंड जो उनसे बरामद हुए हैं उनकी जो चेन है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और उस पूरी चेन को बारे में इन्वेस्टिगेट करके जो अन्य आरोपी हैं